Hello friends, welcome to my YouTube channels. Today one more problems I am doing for Laplace transformation that rule is division by t. So, what is the format, what is the formula for this, what is the rule for this? L f t by t is equal to nothing but s to infinity f s d s. Already lot of problems we did and theorem also we proved. So, I taken one one problems today if multiplication. What is? कॉस फोर्टी इंटू साइन टू टी बाई टी सो हाउ विल सॉल्व सो बिफोर लाइक एल कॉस फोर्टी इंटू साइन टू टी लाइक दिस प्रॉब्लम ऑल्सो बी सॉल्वड फॉर दिस हम लोग को एक इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है कॉसे इंटू कॉसे इंटू साइन बी कॉसे इंटू साइन बी फार्मूला होता है कॉशे इंटू साइन बी ये लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन बी उसका फार्मूला क्या होता है साइन बी वन बाई टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इस फार्मूला का हम लोग हम एक वीडियो में सिर्फ फार्मूला कैसे इसको रिमेंबर किया जाता है इसमें फोर फार्मूला होता है कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू कॉस बी कॉस इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी इसे फोर फार्मूला हो जाता है उस फार्मूला को हम एक वीडियो में बना के दे हाउ टू रिमेंबर कैसे रिमेंबर करना है उस फार्मूला का इस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे जो कि जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी रह सकता है कॉस ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन इंटू कॉस कुछ भी रह सकता है तो उसका फोर फार्मूलाज है जो कि हम इस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में फिर से दे देंगे तो ये फार्मूला कैसे रिमेंबर करना है? उसका ट्रिक है डेरिवेशन टाइप काम दे दिए हैं तो अब क्या करना है इस ढंग का जब फॉर्मूला है तो पहले इसको हम इस प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ देंगे तो क्या करना है एल कॉस फोर टी इंटू साइन टू टी तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं पहले फार्मूला के फॉर्मेट में हम लिखते हैं क्या लिखना है तो वन बाई टू आउट साइड कॉस फोर टी तो यहाँ क्या साइन ए प्लस बी होगा ए फोर और टू कितना हो जाएगा सिक्स सो साइन सिक्स टी माइनस साइन ए माइनस बी फोर माइनस सो साइन ये क्या हो जाएगा साइन टू टी हो जाएगा फोर माइनस टू साइन टू टी टू टी अब हम इसको जनरल लाप्लस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब इसका लाप्लस ले, ले लेते हैं यहाँ पर भी लाप्लस लिख देते हैं जब प्रॉब्लम सुल्व कर रहे हैं तो वन बाई टू तो वन बाई टू आउट साइड रहा अब लाप्लस लेते हैं साइन सिक्स टी का लाप्लस होगा सिक्स बाई एस स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस साइन है तो टू बाई एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर सो टू स्क्वायर तो ओके टू स्क्वायर एक बार लिख देते हैं उसको फोर भी लिख सकते हैं ठीक है ये हो गया मेरा लाप्लास अब रूल okay. से आते हैं नो फ्रॉम द प्रॉब्लम्स व्हाट इज गिवन क्या दिया है एल कॉस फोर टी इंटू साइन टू टी डिवाइड बाई टी दैट मीन्स दिस इज अ फॉर्मेट एफ टी बाई टी एफ टी बाई टी एफ टी को हम लोग ये निकाल लिया एल एफ टी अब इसका हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे टी के लिए इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ एस क्या है एफ एस एल एफ टी ए है तो क्या लिख देंगे ये वन बाई टू ले लेते हैं तो एक स्टेप लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स लिख देते हैं माइनस टू बाई एस स्क्वायर प्लस टू टू जब फोर फोर लिख देते हैं ये हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसको इंटीग्रेशन करेंगे एस टू एस में और विथ रिस्पेक्ट टू डी एस तो डी एस लिख दिए ये हमारा पहले क्या किया हम लोग इसको फॉर्मेट में लिख दिए इसका लाप्लास निकाल लिए और उसके बाद फॉर्मेट पे जो डिवीजन रूल का फॉर्मेट होता है उस पर हम लोग बैठा दिए इसको अब इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करना है इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं वन बाय ए टेन यूनवर्स एक्स a ए मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वन बाई ए टेन यूनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मेट होता है इस पर इसको लोग इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर क्या करना है वन बाई टू हमारा आउटसाइड रहेगा एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स यहाँ है ए यहाँ है तो वन बाई ए तो वन बाई सिक्स पहले सिक्स तो यहाँ पर ऑलरेडी है सिक्स इंटू ऊपर सिक्स सिक्स इन वन बाय सिक्स तो वन बाय सिक्स टेन यूनिवर्स एस बाय सिक्स, एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाय वन बाय सिक्स टेन यूनिवर्स एक्स बाय सिक्स, सिक्स यहाँ पर नमरेटर में पहले से है माइनस टू पहले से है तो वन बाय टू टेन यूनिवर्स एस बाई टू क्या है टू ए है टू स्क्वायर है सिक्स स्क्वायर सो ए स्क्वायर टू स्क्वायर सो ए स्क्वायर सो ये हम लिख दिए अब इसके बाद सॉल्व करना है और इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी हमारा एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ओवर अब यहाँ देखते हैं सिक्स सिक्स कैंसिल हो गया टू टू कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा इधर? Step, step है इधर वन बाई टू टेन यूनिवर्स ये स्टेप एक स्टेप लिख लेते हैं स्टेप को स्केप भी हम लोग कर सकते हैं तो एक लिख लेते हैं डायरेक्ट लिमिट नहीं बैठाते हैं अभी पहले एक स्टेप्स लिख लेते हैं माइनस वन बाई तो टू तो बाहर है तो टेन यूनिवर्स एस बाई टू एस टू इन्फिनिटी तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्फिनिटी है तो एस के जगह पे इन्फिनिटी फिर एस के जगह पे एस करेंगे तो टेन यूनिवर्स इन्फिनिटी टेन यूनिवर्स इन्फिटी का होता है फॉर्मूला पाई बाई टू टेन यूनिवर्स इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है पाई बाई टू तो यहाँ पर हम लोग लिमिट बैठाते हैं तो पहले लिमिट क्या आ जाएगा एक बार लिख लेते हैं ये आ जाएगा टेन यूनिवर्स इन्फिनिटी आएगा ये टर्म माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा टेन यूनिवर्स एस बाई सिक्स हो गया अब ये माइनस ले लेते हैं हम लोग ब्रैकेट ये फ्लावर ब्रैकेट ले लेते हैं अब इसके लिए ऑफर लिमिट टेन यूनिवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट सेम थिंग टेन यूनिवर्स एस बाई टू ये हम लोग बैठा दिए अब देखते हैं एक स्टेप्स लिखते हैं टेन यूनिवर्स इन्फिनिटी क्या लिखेंगे पाई बाई टू सो so, पाई बाई टू माइनस टेन यूनिवर्स एस बाई सिक्स माइनस माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस टेन यूनिवर्स एस बाई टू ये पूरा हम लोग लिख दिए ये पाई बाई टू ये पाई बाई टू तो ये ये क्या है माइनस ये प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ये हो गया कैंसिल ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा मेरा ये कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा देखते हैं वन बाई टू टेन inverse एस बाई सिक्स ये प्लस है पहले प्लस को हम लोग लिख लेते हैं प्लस देन माइनस टेन inverse एस बाई स ये सॉल्व किए अब इससे ज़्यादा हम लोग को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो दिस विल बी द आंसर फॉर पर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये क्या हो गया आंसर हो गया हम लोग पहले भी इसके पहले भी ऐसा प्रॉब्लम बना चुके हैं तो लाप्लस निकालना है उसके बाद डिवीज़न रूल का थियरम को सब्स्टिट्यूट करना है उसका तो इंटीग्रेट करना है उसका बाद लिमिट बैठाना है ये दो टर्म्स हम लोग को याद रखना है टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एस वन बाई टेन यूनवर्स एक्स बाय ए और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हम लोग इस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिसका कि हम डरवेशंस करके रख दिए जो कि आपको ईजी होगा इसको रिमेंबर करने में और अंडरस्टैंड करने में ओके ओके सो so अब एक दूसरा प्रॉब्लम्स लेते हैं और एक प्रॉब्लम इसी में ले लेते हैं ठीक है ठीक अब ये प्रॉब्लम इसको हम रख करके दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं सॉल्व क्या है ई ट पावर माइनस थ्री टी ई टू माइनस थ्री टी माइनस ई पे पावर माइनस फोर टी बाई टी फोर टी बाई टी हम ये प्रॉब्लम ले लिए बाय टी ओके सो इसको देखते हैं सिमिलर प्रोसेस पहले हम लाप्लस ले लेते ले हैं ई टू पावर थ्री टी माइनस ई टू पावर फोर टी फिर पहले लाप्लस ले लेते ले हैं क्या होगा एस पावर माइनस थ्री एक्सपोरेंशियल टर्म है तो एस प्लस थ्री हो जाएगा इसका लाप्लस फोर है तो वन बाय एस प्लस फोर हो जाएगा एज ए टीज ये हम लोग बहुत पहले हर प्रॉब्लम में ऐसा कर चुके हैं ये कर दिए उसके बाद फॉर्मूला फॉर्मेट क्या कहता है एल ई तो पावर माइनस थ्री टी पावर माइनस फोर टी बाई टी दैट मीन्स एफ टी बाई टी इज कल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ एस क्या है ये वन बाई एस प्लस थ्री माइनस वन बाई एस प्लस फोर और यहाँ दे देंगे डी एस और यहाँ दे देंगे डी एस छोटा छोटा लिखते हैं वन बाई एस प्लस फोर डी एस हो गया उसके बाद हमको इसको इंटीग्रेट करना है ये सब टर्म्स को हटा देते हैं ये सब टर्म्स को हटा देते हैं अब इसको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन वेरी सिंपल लॉग एस प्लस थ्री माइनस लॉग एस प्लस फोर हो गया एस टू इन्फिनिटी लिमिट हो गया अब अगर यहां पर इन्फिनिटी करते तो लॉग इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी ये मीनिंगलेस वैल्यू आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी तो क्या लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी को लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग ए बाई लॉग बी इसको लिख सकते हैं फिर इस पर लिमिट बैठाते हैं एस टू इन्फिनिटी फिर से अगर लिमिट बैठाते हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी आएगा मीनिंगलेस रिजल्ट तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं एस अगर कॉमन लेते हैं तो वन प्लस थ्री बाई एस क्यों हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग जानते हैं किसी भी बाई इन्फिनिटी इजकअल टू तो जीरो होता है तो यहाँ अगर हम इन्फिटी बैठाएंगे तो दिस टर्म जीरो तो हमारा सोल्यूशंस आ रहा है तो इसी तरह वन प्लस फोर बाई एस ऐसे हम लोग तोड़ देते हैं अब फिर एस टू तो इन्फिनिटी इस पर लगा देते हैं अब क्या आ गया इन्फिटी करने से ये लॉक वन एस एस कैंसिल कर देते हैं हम लोग पहले एस एस कैंसिल हो जाएगा नोमनेटर डिनोमिनेटर का उसके बाद लिमिट बैठाते हैं उसके बाद हम लोग तो लिमिट बैठाते हैं तो पहले क्या जाएगा? Log 1 आ जाएगा लॉग वन आ जाएगा लॉग वन माइनस लोअर लिमिट सेम टर्म्स आ जाएगा सेक्टर क्या आ जाएगा वन प्लस थ्री बाई एस बिकॉज एस के जगह पर एस बैठा रहे हैं तो एल लेंगे तो क्या होगा एस प्लस थ्री बाई एस होगा पहला टर्म डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा फिर एस प्लस फोर बाई एस ये लिमिट हम लोग बैठा दिए तो अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है देखते हैं लॉग वन हो गया जीरो लॉग वन हो गया जीरो तो लॉग एस प्लस थ्री बाय एस प्लस फोर हो गया एस प्लस थ्री एस प्लस फोर हो गया अब सॉल्यूशंस आ गया माइनस को सिर्फ हम लोग को प्लस करने के लिए ये रिवर्स कर देंगे डिनोमिनेटर को नूमरेटर में नूमरेटर को डिनोमिनेटर में एस प्लस फोर एस प्लस थ्री ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस हो गया तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स कर चुके हैं ये का ये लास्ट प्रॉब्लम है डिवीजन रूल का ये लास्ट प्रॉब्लम है अगर इतना प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी डिवीजन प्रॉब्लम्स आप सिंपल वे में कर सकते हैं ओके ओके फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सो दे कैन गेट द बेनिफिट फॉर द सिंपल स्टेप्स एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड then only you will understand everything's all content and what is special case this formula and all i am writing so that's you careful or not down in your one particular notebook okay okay thank you students